हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लेटेस्ट दो अपडेट डिस्कस करने वाले हैं। दोनों के दोनों जो अपडेट हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मींस AAI की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेशर्स के लिए अलग वैकेंसीज आई हुई हैं, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए अलग वैकेंसीज आई हुई है। सो किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगी भी अप्लाई किस तरीके से करना है, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया दो अलग अलग नोटिफिकेशन हैं। एक नोटिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। बट नोटिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया AAI की तरफ से ही दोनों आए हुए हैं। तो ब्रीफ में डिस्कस करेंगे किस तरीके से अप्लाई करना है, किस अपडेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे AAI की तरफ से आई हुई डायरेक्ट वैकेंसीज के बारे में। दोनों के दोनों जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं, इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों नोटिफिकेशन की कॉमन बात यह है कि कोई फ़ी आपको नहीं देनी है, चाहे आप रिजर्व्ड कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई करना है। और इसमें आपका कोई एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला है। किस बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है, दोनों नोटिफिकेशन क्या अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। बात करें हम AAI की आई हुई वैकेंसीज के बारे में, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड अपडेट से। इसके लिए सबसे पहले देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको इसी रिक्रूटमेंट का मिलेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करके लास्ट में आपको मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक। रिक्वायर्ड लिंक में फर्स्ट आप लिंक देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का, एंड सेकंड आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन का। वैसे दोनों का एक ही लिंक है, वहीं पे ही आपको ऑप्शन मिल जाती है अप्लाई ऑनलाइन की। जहां पर इन्होंने नोटिफिकेशन डिस्क्राइब किया हुआ वहीं पे अप्लाई की ऑप्शन है, तो लिंक आपको दोनों सेम ही मिलेंगे। आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ रही है, फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन की, सेकंड है लॉगिन की। तो आपको पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी सिंपली आप लॉगिन कीजिए। उसके बाद आपको अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी है जो भी आपसे मांग रहे हैं, जैसे आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम, क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने पास आउट की है, एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके जस्ट आपको सबमिट कर देना है। इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हम बात करें रिक्रूटमेंट के सबसे पहला जो अपडेट है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, उसके लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। तो इसके लिए आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10th पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन 12th या ग्रेजुएट अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल रहने वाले हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। बाकी इन्होंने वेन्यू भी मेंशन कर रखा है जहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए, फर्स्ट अपडेट के लिए अलग लोकेशन है, सेकंड जो अपडेट है उसके लिए ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है। ठीक है, जो फर्स्ट अपडेट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके लिए इन्होंने बताया हुआ है जो आपकी वेन्यू रहने वाला है, जो आपका जॉब लोकेशन रहने वाली है, उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं सैलरी की बात करूँ, जो पहला अपडेट है इसके लिए आपकी 9000 तक पे रहने वाली है पर मंथ। इसी के ऑपोजिट अगर मैं सेकंड अपडेट की बात करूँ, इसमें सैलरी आपकी बहुत बढ़िया है और परमानेंट जॉब है, 75000 सैलरी है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम फर्स्ट अपडेट की डिस्कस कर रहे हैं जिसमें क्वालिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट अपडेट के लिए जो वैकेंसीज आउट की गई हैं, मैकेनिक डीजल एंड कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। अगर आप एलिजिबल है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है,
कोई फ़ी नहीं देनी है, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली मेरिट लगेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये है आपकी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई है AAI की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है, बट उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अप्लाई करना इसके लिए भी स्टार्ट हो चुका है। ये जो सेकेंड अपडेट है इसके साथ इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया हुआ है। सेकेंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सेम रिक्रूटमेंट का मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, फिल करना है अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो भी आप देख पा रहे हैं वो आपको जस्ट फिल करनी है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है अपने क्वालिफिकेशन को मेंशन करके, कब आपने पास आउट की है एंड जो भी आप एलिजिबिलिटी या जो भी आप अदर रिक्वायर्ड देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो आपको सिंपली सबमिट कर देनी है। इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और वैकेंसीज बहुत बढ़िया इसमें आउट की गई हैं। सबसे पहले जो इसमें पोस्ट आउट की गई हैं कंसल्टेंट की है। नेक्स्ट जो पोस्ट इसमें आउट की गई हैं जूनियर कंसल्टेंट की वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें, आपकी एज मिनिमम 18 से अबव जितनी मर्जी है एज पर नॉर्म्स, प्लस इसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है जो मैक्सिमम एज रहने वाली है दैट इज़ 70 एज तक आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें पैकेज की, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, 75,000 पर मंथ आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं इन वैकेंसीज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, और दो टाइप की मैंने आपको वैकेंसीज बताई है। एक तो जो कंसल्टेंट की है उसके लिए आपकी 75,000 सैलरी है, जूनियर कंसल्टेंट के लिए 50,000 पर मंथ सैलरी है। सैलरी दोनों के लिए अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयार रहना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। ये जो सेकेंड वाला अपडेट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इसमें आपकी जो एप्लीकेशन देखी जाएगी, उसके बाद जो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड होंगी उन कैंडिडेट को इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू बेस्ड इसमें आपकी सिलेक्शन होने वाली है। और सेकंड जो अपडेट है इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है जो आपके लिए जाना ज़रूरी है। जो पहला अपडेट मैंने आपको बताया था वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। सेकेंड जो अपडेट है इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि जो रिटायर्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफिसर्स या कंसल्टेंट है वो इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, मीन्स उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो फ्रेशर कैंडिडेट अगर इसके लिए अप्लाई ना करें तो अकॉर्डिंग टू मी ठीक रहेगा। फर्स्ट अपडेट जो है उसके लिए आप अप्लाई करें, बिकॉज इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो रिटायर्ड कैंडिडेट को दी जाएगी, जिसमें आपकी 75,000 मैक्सिमम सैलरी रहने वाली है। अगर एलिजिबल है अप्लाई आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई हुई है, चैनल पर वीडियोस अपलोडेड है, यूट्यूब में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, सबको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा। चैनल पे वीडियोस मैं डेली एक या दो अपलोड करती ही हूँ, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो नहीं भी हो पाती, बट अगर नोटिफिकेशन आता है एक या दो वीडियो मैं डेली आपके लिए लेकर आती ही हूँ। चैनल पर जाकर आप चेक ज़रूर कर लेना। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।